हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय कुमार कर्मकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए विप्रो कंपनी के तरफ से बहुत ही अच्छे जॉब का अपडेट लेकर आ चुका हूं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी विप्रो कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए विप्रो कंपनी के तरफ से डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेकर आ चुका हूं। फ्रेंड्स, जी हां, आप लोगों को विप्रो कंपनी में कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को सिंपली एक इंटरव्यू को क्लियर करना है और आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बस इतना काम करना है, आप लोगों को ये वीडियो को एंड तक वॉच करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को विप्रो कंपनी के तरफ से दो जॉब प्रोफाइल अपडेट की गई है, जो कि आप लोगों का लेटेस्ट जॉब रहने वाला है। तो आप लोगों को मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग विप्रो कंपनी में जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सही तरीके से, और कैसे आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, जिससे आप लोगों को आगे कोई भी परेशानी ना आए और आप लोग विप्रो कंपनी में अच्छे से जॉब ले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो को बिना स्किप के एंड तक वॉच करना है, मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं विप्रो कंपनी की तरफ से ये फर्स्ट जॉब प्रोफाइल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेकेंड जॉब प्रोफाइल के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक वॉच करना है। फ्रेंड्स, ये जो दोनों आप लोगों का जॉब प्रोफाइल है, इस जॉब प्रोफाइल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, विप्रो टेक्नोलॉजीज के तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर जॉब निकाली गई है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है फ्रेंड्स विप्रो कंपनी में, यहाँ पर एनी फुल टाइम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं सर्विस डेस्क एनालिस्ट का यहाँ पर आप लोगों का जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। शिफ्ट की बात करें तो आप लोगों का रोटेशनल शिफ्ट यहाँ पर रहेगा, डे एंड नाइट दोनों में आप लोगों को वर्क करना रहेगा। सीटीसी सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, तो एज पर करंट सीटीसी मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों का यहाँ पर सैलरी रहने वाला है। मिनिमम आप लोगों का 15,000 to 20,000 आप लोगों का सैलरी रहेगा। और यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बताया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को B2B कस्टमर से आप लोगों को डिटेल में बात करना है। आप लोगों को कस्टमर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आप लोगों को आंसर देना है ईमेल के जरिए, चैट के जरिए और कॉल्स के जरिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर मस्ट किया गया है, आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर बोलना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पर आप लोगों को अपना जो रिज्यूमे है वो आप लोगों को मेल करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को मेल आईडी यहाँ पर बताया गया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को विप्रो का जो फॉर्म है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से फिल करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से फॉर्म को फिल करके बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो को वॉच करना है पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को नेम ऑफ कैंडिडेट में पहले आप लोगों को अपना नेम यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में आप लोगों को अपना फोन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद वैलिड ईमेल आईडी यहां पर फिल करना है फ्रेंड्स, उसके बाद एजुकेशन में आप लोगों का जो भी एजुकेशन है आप लोगों का वो आप लोगों को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक्सपीरियंस है तो आप लोग अदर पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद प्रीफर्ड लोकेशन में फ्रेंड्स, आप लोगों को अपना प्रीफर्ड लोकेशन को चूज कर लेना है, जिस भी लोकेशन में आप लोग जॉब करना चाहते हैं या फिर इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप लोग अपने प्रीफर्ड लोकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है आर यू ओके फॉर रोटेशनल शिफ्ट, तो आप लोगों को सिंपली यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से करंट सीटीसी सैलरी पूछा जा रहा है, तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को जो भी सूटेबल लगता है वो आप लोग यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर 1.5 LPA से लेकर 3 LPA यहां पर मैं करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा टाइप ऑफ ग्रेजुएशन, तो अगर आप लोगों ने फुल टाइम पे ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग फुल टाइम पे कर दे, अगर आप लोगों ने डिस्टेंस कर रखा है तो आप लोग पार्ट टाइम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नोटिस पीरियड में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग इस कंपनी में ज्वाइनिंग कब करना चाहते हैं, इमीडिएट ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या फिर 7 डेज बाद, तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को इमीडिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है आर यू इंटरेस्टेड फॉर टेक्निकल सपोर्ट रोल, तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को यस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाए आर यू ओके विद वॉइस प्रोसेस, तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को यस पे क्लिक कर देना है, ये कस्टमर केयर का जॉब रहने वाला है। तो ये सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आप लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों का जितना भी डिटेल्स है फ्रेंड्स वो HR डिपार्टमेंट में आप लोगों का रेफर कर दिया जाता है,
उसके बाद सिंपली मैंने आप लोगों को बताया कि पहले आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के बाद इस ईमेल आईडी पे आप लोगों को एक अपडेट रिज्यूमे सेंड कर देना है। उसके बाद आप लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। फ्रेंड्स, शॉर्टलिस्टेड हो जाने के बाद आप लोगों को कंपनी की तरफ से ईमेल में या फिर आप लोगों को फ़ोन कॉल के जरिए आप लोगों को कॉन्टैक्ट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सेकेंड जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आप लोग का विप्रो कंपनी की तरफ से सेकेंड जॉब प्रोफाइल है। ये भी आप लोग का नॉन वॉइस का यहाँ पर आप लोगों का जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, कस्टमर केयर का आप लोगों का जॉब रहने वाला है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 3 ईयर का यहाँ पर आप लोगों को बताया गया, मतलब फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैंने पहले आप लोगों को जॉब बताया था उसमें भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जॉब प्रोफाइल के लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो देख सकते हैं 1 lakh से लेकर 2 lakh पर एनम आप लोगों का यहाँ पर सैलरी रहने वाला है। जॉब लोकेशन की बात करें तो कोलकाता में आप लोगों का जॉब लोकेशन रहने वाला है। जॉब हाइलाइट्स की बात करें फ्रेंड्स तो आप लोगों को यहाँ पर नाइट शिफ्ट करने में कंफर्टेबल होने चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप लोग इस जॉब प्रोफाइल के लिए 100% अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स शुड बी अ ग्रेजुएट यहाँ पर आप लोगों का मांगा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, आईटी, सिविल, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, मतलब आप लोगों का इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आना चाहिए, एकदम फ्लुएंट होना चाहिए। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं फ्रेंड्स विप्रो कोलकाता इज हायरिंग फॉर US हेल्थ केयर, तो US हेल्थ केयर से रिलेटेड आप लोगों का यहाँ पर जॉब रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों का विप्रो कंपनी में जॉब रहने वाला है। फ्रेशर्स कैन अप्लाई यहाँ पर मेंशन फिर से किया हुआ है। डिजायर कैंडिडेट प्रोफाइल आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, यहाँ पर नाइट शिफ्ट करना होगा, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया गया फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर HR का यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को अपना जो अपडेट CV है वो आप लोगों को इनके व्हाट्सएप में आप लोगों को सेंड करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप लोगों को कॉल नहीं करना है, ठीक है। और आप लोगों को सिंपली यहाँ पर एक इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो ये आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया हुआ है, डू नॉट कॉल ऑन दिस नंबर, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड। मतलब फ्रेंड्स आप लोगों को इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, जब आप लोगों का शॉर्टलिस्टेड हो जाता है या फिर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद ही आप लोगों को इस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है जॉब अप्लाई करने के लिए, या फिर आप लोग यहाँ पर सिंपली अप्लाई पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों जॉब प्रोफाइल आप लोगों का होने वाला है फ्रेंड्स, और दोनों जॉब प्रोफाइल का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों को इस जॉब प्रोफाइल के लिए 1 रुपया भी नहीं देना है, ना ही कोई एग्ज़ाम देना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इस जॉब से रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं डेली के ऐसे ही न्यू जॉब के अपडेट्स आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।